तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बिग बैश लीग का कल के दिन का पहला मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा सिडनी थंडर्स वर्सेज होबार्ट हरिकेन्स के बीच में। तो दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर सिडनी थंडर्स की टीम की, तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस मतलब टूर्नामेंट में सेकेंड पोजिशन पर अभी बनी हुई है पॉइंट्स टेबल में, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, काफ़ी सारे प्लेयर्स इनके फॉर्म में। वही अगर बात करें होबार्ट हरिकेन्स की, तो इनके भाई एक दो बॉलर भी फॉर्म में और भाई एक बैट्समैन भी फॉर्म में जो कि मैकडरमॉट है। और इसके अलावा भाई यहाँ पर अब इनके लिए बड़ी न्यूज क्या है, क्योंकि इनके जो मतलब कैप्टन है वो भाई मैथ्यू वेड वो वापस आ चुके हैं, सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, तो आपको खेलते नजर आएंगे। लेकिन अभी आप उनका सिलेक्शन देखोगे तो बहुत ही कम आपको दिखने वाला है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भाई मैथ्यू वेड का सिलेक्शन आप देख सकते हो सिर्फ 5% है, और भाई ये नेक्स्ट मैच के लिए अवेलेबल है और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, तो 100% सिलेक्शन इनका होना कन्फर्म है। तो आप इसको लेके जाके मतलब लेके जा सकते हो और काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये आपको दे सकते हैं। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की स्क्वाड की। तो यहां पर अगर बात करें तो 47वां मैच ये खेला जाएगा मॉर्निंग में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10:45 पर। सबसे पहले यहां से बात करेंगे अगर पिच की, तो यहां पर आप देख सकते हो डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में मैच होगा, जहां पर भाई काफी अच्छी बैटिंग विकेट दिखाई दिए इस टूर्नामेंट में, 200+ का स्कोर बनाया भाई लास्ट के 4 मैच में से 3 बार, तो आपके लिए काफी अच्छी डिसेंट बैटिंग ट्रैक यहां पर ये होने वाली है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर देखो मैथ्यू वेड सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, तो स्क्वाड में भी ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों टीम्स की स्क्वाड आप यहाँ से देख सकते हो। मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब प्लेयर्स के बारे में गाइड कर देता हूँ। मैथ्यू गाइक्स यहाँ पर ओपनिंग करेंगे एलेक्स हेल्स के साथ, जेसन सिंघा वन डाउन आएंगे, एलेक्स रोस या फिर ओलिवर डेविस इन दोनों में से कोई एक खेलता नजर आएगा। डैनियल सैम्स यहाँ पर भाई नंबर 4 पर प्रमोट किए गए, तो ये यहाँ पर आपको खेलते नजर आ सकते हैं। बैन कटिंग खेलेंगे, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, इसकी बात हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन खेलेगा कौन कौन नहीं खेलेगा, ठीक है। बॉक्सर ऑल्ट शायद आपको ना खेलते नजर आए, नाथन मैकड्रू खेलते नजर आएंगे, गुरिंदर संधू खेलेगा, तनवीर संगा खेलेगा, मोहम्मद असनैन खेलेगा, इसके अलावा भाई जोनाथन कुक, अर्जुन एंड क्रिस टेम्पर, सैम व्हाइटमैन, ये सारे आपको बेंच पर बैठते हुए दिखाई देंगे। वही अगर बात करें होबार्ट हरिकेन्स की टीम की, तो यहां पर देखो आप देख सकते हो मैथ्यू वेड वापस आ चुका है तो खेलेगा, बेन मैकडरमॉट आपको खेलता नजर आएगा, सी जवेल आपको खेलता नजर आएगा, पीटर एंडस्कोम आपको खेलता नजर आएगा, डार्सी शॉर्ट खेलेगा, टिम डेविड खेलेगा, जॉर्डन थॉम्पसन खेलेगा, मिशेल ओवन की शायद भाई खेलेगा लास्ट मैच खेलेगा, थॉमस रोजर्स की बात करें तो खेलेगा, रेली मेडिडिथ खेलेगा, संदीप लामिछा ने खेलेगा। इसके अलावा नीचे के जो प्लेयर्स हैं ये आपको बेंच पर बैठते हुए नजर आ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लेयर्स के बारे में, और भाई यहां पर मैं आपको टीम दूंगा, लेकिन भाई उससे पहले आपको लेके चलता हूं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर हमारे एक मेंबर ने यहां पर कबड्डी के दूसरे मैच में जीएल में रैंक 1 हासिल किया, और एक में नहीं भाई काफी सारे कॉन्टेस्ट में उसने रैंक 1 हासिल किया। और इसीलिए मैं बोलता हूं भाई जो वीडियो ध्यान से देखेगा ना वो आपके मतलब उस चीज का आपका फायदा मिलने ही मिलने वाला है, और इसीलिए मैं बार बार भाई फोकस करता हूं कि वीडियो अगर आप देखने आए हो तो आप कंप्लीट देख के जाओ, क्योंकि बिना कंप्लीट वीडियो देखे भाई आप विनिंग नहीं कर पाओगे। अब यहां पर एक एक प्लेयर्स की हम बात करते चलेंगे और यहां पर आपको छोटी छोटी चीजें मैं क्लियर करता चलूंगा। तो यहां से देखो आपके लिए मतलब क्रेडिट इशू भी आ सकता है, साथ ही साथ भाई प्लेयर सिलेक्शन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैच थोड़ा सा रिस्की यहां से मेरे को लग रहा है। जीएल खेलोगे तो इजिली काफी अच्छी विनिंग कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में आपको कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो बिल्कुल फाइनल टीम है उसकी पूरी की पूरी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं। बैन मैकडरमॉट हमारे लिए मस्ट पिक रहेंगे, इसके अलावा भाई मैथ्यू वेड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर आप स्मॉल लीग में नहीं ट्राई कर रहे तो जीएल मिनी जीएल में तो आपको 101% इसको ट्राई करना है, बट मेरी टीम में स्मॉल लीग में भी रहने वाले हैं, यहां से भाई मैथ्यू गेक्स को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा, बेहतरीन से भी ऊपर का प्लेयर मेरे को ये लग रहा है। बट देखो यहां से भाई जो बॉलर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी ना तो उसके बॉलर्स हम ज्यादा से ज्यादा लेके चलेंगे। अभी मैं मैथ्यू गिग्स के ऊपर मतलब रिस्क लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भाई हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, तो ज्यादा मतलब मैं इसके ऊपर अभी भरोसा जता नहीं रहा, बट अगर आप चाहो तो आप इसके अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो भाई जेसन संगा मस्ट पिक आपके लिए होने वाला है, लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, आप देखोगे लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है स्टार्टिंग के 3 मैच को छोड़ के, इसके बाद आप यहाँ से देखोगे एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें परफॉर्मेंस नहीं आई हो। एलेक्स हेल्स लास्ट के 2 मैच में बेहतरीन से ऊपर की परफॉर्मेंस देके आया, तो ये भी आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर हो जाएगा, तो इसको भी आपको ट्राई करना है। यहां से देखो बैन कटिंग को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि एक आध ओवर करेगा, ज्यादा ओवर भी नहीं कर रहा, साथ ही बैटिंग भी काफी नीचे, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। अब यहां से आपको क्या करना है भाई, पीटर एंडस्कोम और यहां से सी जोएल, इन दोनों में से जो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा नंबर 4 या 5 पर जो भी इनकी पोजिशन आएगी, तो जो भी इन दोनों में से ऊपर रहेगा आप उसको ट्राई कर सकते हो। एरी ब्रुक को मैं ड्रॉप करके चलूंगा और डेविस को मैं ड्रॉप करके चलूंगा, तो आपको तीसरा प्लेयर इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। अभी मैं एंडस्कोम के जा रहा हूं, बाकी अगर यहां से सीजवेल इससे ऊपर बैटिंग करता नजर आएगा तो बैटिंग ऑर्डर जैसे ही आएगा टेलीग्राम पर मैं अपडेट दे दूंगा, तो उस हिसाब से आप चेंजमेंट कर सकते हो। अब यहां से बात करते हैं भाई
ऑलराउंडर सेक्शन की यहाँ से भाई डैनियल सैम्स हमारी टीम में 101% रहने वाले हैं। सेकंड लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके आया है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी हर जगह से परफॉर्मेंस आई है। इसके अलावा भाई बात करें तो यहाँ पर डार्सी शॉट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई अभी तक देखो इसको अच्छे से यूज नहीं किया था जो इनके कैप्टन थे पीटर एंडर्सन, उन्होंने भाई इसको बिल्कुल भी अच्छे से यूज़ नहीं किया था। लेकिन भाई अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि मैथ्यू वेड वापस आ चुका है, तो मैथ्यू वेड यहाँ पर भाई इसके ऊपर काफ़ी भरोसा करता है और भाई इसको ओपनिंग भी करवा सकता है या वन डाउन टू डाउन आपको जरूर खिलवाता नजर आएगा, साथ ही दो तीन ओवर भी इसको दे देगा, तो इजीली आपके लिए काफी अच्छी पिक यहां से बन जाएंगे। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो शाकिब महमूद अब खेल नहीं रहे तो इनको हम ट्राई करके करेंगे क्या। रैली मेरेडिथ को भाई अगर देखो, रैली मेरेडिथ को आपको कब ट्राई करना है, इनको भाई जब ट्राई करना है जब आप मतलब फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग कर रही है तो भाई आप ट्राई कर सकते हो, यानी कि हरिकेन्स की अगर पहले बॉलिंग आती है तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर हो जाएंगे, अदरवाइज भाई एवरेज परफॉर्मेंस आती है इनकी सेकंड इनिंग में तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। टी रोजर्स आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर की पिक रहने वाले हैं। नाथन इलिस भाई इंजर्ड हो चुके थे, इनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, इनको भाई फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों जगह पर आपको ट्राई करना, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी लास्ट के एक दो मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, अदरवाइज भाई बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए होने वाली है। अब यहाँ पर आपको एक काम करना, देखो अगर भाई फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो भाई भाई आप इसको वीसी या कैप्टन भी लेके जा सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। जीएल मिनी जीएल में जरूर ट्राई करना कैप्टन वाइस कैप्टन रैली मेरेडिथ को, आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो, बाकी फर्स्ट इनिंग में आप बॉलिंग आए तो भाई आप स्मॉल लीग में भी कंसीडर कर सकते हो। यहां से अगर बात करें तो गुरिंदर संधू हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, डेथ ओवर्स में बॉलिंग किए लास्ट ओवर लास्ट मैच में, तो भाई आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तनवीर संघा की, तो भाई स्पिनर है यहां पर, मैं आपको मतलब एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, जो भी स्पिनर आपको नजर आए ना तो इनको आप भाई जो सेकंड इनिंग में अगर टीम की बॉलिंग आती है इनकी तो भाई आप इनको ट्राई करना, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो भाई आपके लिए एक एवरेज पिक रहेंगे, सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है और भाई अगर ये अच्छा खासा स्कोर बना देते हैं जो कि मेरे हिसाब से बना देंगे क्योंकि इनकी बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, तो भाई अगर ये अच्छा खासा स्कोर बना देते हो तो आपके लिए काफी अच्छी पिक यहां से हो जाएंगे, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो सेकंड इनिंग में। बाकी अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो भाई आप ड्रॉप कर देना, जैसे कि भाई आज हमने राशिद खान को मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप उसको कैप्टन करना, और आज बंदा 5 विकेट निकाल के ले गया, इजिली हमारी जीएल में काफी अच्छे रैंक लेके आए थे हम, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको भी आप सेकंड इनिंग में ट्राई कर लेना। नाथन मैकड्रू की बात करें तो भाई एवरेज बॉलर है, लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, इसके लिए भाई एवरेज बॉलर है, डेथ ओवर में काफी कम चांसेस है इसके बॉलिंग करने के, अगर डेथ ओवर में बॉलिंग करता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज भाई आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हो। वहीं अगर बात करें तो संदीप लमिछाने को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो मोहम्मद असनैन को आप ट्राई कर लेना, बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए होने वाला है, लास्ट अगर 3 मैच की बात करें तो 6 विकेट निकाल चुका, बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए ये होने वाला है। अब आपके पास बचते भाई यहाँ से 8 क्रेडिट, तो अब आपको यहाँ पर क्रेडिट मैनेज करने पड़ेंगे, तो आप यहाँ से मैथ्यू वेड को ड्रॉप करके यहाँ पर एम गाइक्स के साथ जा सकते हो। अब आप यहाँ से भाई क्रेडिट मैनेज कर पाओगे, तो क्रेडिट मैनेज अब आपके हो गए हैं तो आप नीचे से बॉलर ट्राई कर सकते हो, तो अब आप यहाँ से संदीप लामिछाने या फिर नाथन मैकड्रू के साथ जा सकते हो, जो दोनों मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेंगे। अगर भाई हरिकेन्स की सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप इसको ट्राई कर लेना, अदरवाइज भाई आप नाथन मैकड्रू या फिर ऊपर से भाई आप तनवीर संगा में से किसी एक के साथ जा सकते हो। मेरे हिसाब से भाई अभी के लिए कुछ इस प्रकार की मेरी डेमो टीम रहने वाली है, बाकी भाई जीएल में अगर आप इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करोगे तो भाई मेरे हिसाब से कुछ अच्छा फायदा आप इस मैच में कमा सकते हो, तो फोकस करना भाई जीएल में, काफ़ी अच्छी विनिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, अभी के लिए भाई ये टीम मेरी होने वाली है। बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन बैटिंग विकेट है तो बैट्समैन्स को अगर आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैप्टन आप बेन मैकडरमॉट को दे सकते हो, वाइस कैप्टन आप डैनियल सैम्स को दे सकते हो, या फिर आप कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी रख सकते हो आपका कॉम्बिनेशन। इसके अलावा यहाँ से जेसन संघा भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लास्ट 2 मैचेस की परफॉर्मेंस देखे तो एलेक्स हेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई देखो सबसे पहली बात तो बैटिंग ट्रैक है तो ये आपको वैसे भी काफ़ी अच्छा आपके लिए प्लेयर हो सकता है, अदरवाइज भाई ये देखो 3 या 4 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। देखो यहाँ से दोनों तो भाई ऑलराउंडर को आप ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन पिक है। यहाँ पर डार्सी शॉट की बात करें तो इनका पता है क्या है, ये चाहे 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए बट आपको कंटिन्यू रन बना के देगा, तो आपको 45-50 पॉइंट तो ईजिली दे जाएगा, जो आपके लिए एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं। देखो हमारे लिए स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करती, हमारे लिए मैटर करती है कि बंदा हमें पॉइंट कितने दे रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसे एज ए वॉइस कैप्टन कंसिडर कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में भाई आप बॉलर्स को लेके जाना, कैप्टन वॉइस कैप्टन ये चीज़ आप ट्राई कर लेना, बॉलर्स को रोटेट कर करके आप ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं कैप्टन दे रहा हूँ डैनियल सैम्स को, वॉइस कैप्टन दे रहा हूँ मैकडरमॉट को, बाकी मैं अगर
मेरा मतलब सोच रहा हूँ मैं डार्सी शॉर्ट के ऊपर, तो मैं इसको भी अपने टीम में एज ए वॉइस कैप्टन लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ से अभी के लिए चलो मैं मैकडरमॉट को ही सेव कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मेरी फाइनल टीम का क्या प्रिव्यू होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप बात करें फाइनल टीम की, तो कुछ इस प्रकार की भाई हमारी फाइनल टीम होने वाली है। और अगर सीवीसी की बात करें, यहाँ से तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, सॉरी भाई यहाँ से गलत बंदे पर मार्क हो गया, इनको आप जीएल में मिनी जीएल में ट्राई करना। या स्मॉल लीग के लिए अगर बात करें तो भाई ये मेरे हिसाब से तीन और बेहतरीन ऑप्शन है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दो ऑप्शन मैंने आपको दे ही दिए, तो ये भाई थोड़ा सा रिस्की मैच है क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स हैं जो सेम फॉर्म से गुजर रहे हैं, यानी कि काफी सारे इनफॉर्म बल्लेबाज भी है, इनफॉर्म गेंदबाज भी है, इनफॉर्म ऑलराउंडर भी है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत यहां पर आ सकती है मतलब स्मॉल लीग या फिर हेड टू हेड में। बाकी ग्रैंड लीग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट मैच रहेगा, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जीएल में जा सकते हो। तो बस दोस्तों बाकी कुछ बाकी के अपडेट है, कुछ और अगर अपडेट आते हैं स्क्वाड के बारे में या कुछ और अपडेट आती है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भाई जीएल में हमारी कबड्डी में रैंक 1 आई है और उम्मीद करूंगा भाई ऐसे ही आप लोग विन करते रहो, ऐसे ही भाई आपका सपोर्ट बनता रहे। तो और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर भाई नए बंदे हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।